दोस्तों अब आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी बैंक, अदर एग्जाम के लिए कई कोर्सेज अपलोड किए हैं, जिसको देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और मुझे आप सर्च बॉक्स में सर्च करके मुझे फॉलो कर पाएंगे, जहाँ पर मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा रेलवे ग्रुप डी अदर एग्जाम के लिए, और आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं साइंस के 38 क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो वो है माइटोकांड्रिया का संबंध है, तो माइटोकांड्रिया का जो संबंध होता है वो किससे होता है? श्वसन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो वो होता है हरित लवक में भी, माइटोकांड्रिया में भी, केंद्रक में भी, मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घास्थि। अगला है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्लाइडेन और स्वान ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकांड्रिया में। तो एटीपी का एक बार कभी कदर फुल फॉर्म आ जाता है, कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एडीनो सीन ट्राई फॉस्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में, मतलब गाय के दूध में भी, बकरी के दूध में भी और स्त्री के दूध में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, तो हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। अगला है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। अगला है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो चमगादड़ जो है मैमेलिया वर्ग का प्राणी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट बीमारी होती है, तो किससे होती है? फफूंद से। नेक्स्ट है, लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए, एरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कि लैंगरहांस की दीपिकाएं या लैंगरहांस की दीपिकाएं, उन दीप कहाँ पाए जाते हैं? लैंगरहांस दीपिका जो होती है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पैंक्रियाज में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी, विलियम हार्वे। अगला है, विषाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी इवानो बस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन बी, हाइड्रोफोबिया। अगला है, जीवाणु की जो खोज है सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिमा लुवेनहॉक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तंभ में। अगला है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकंद। अगला क्वेश्चन है, हमारा लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, तो किससे करती है?
ऑप्शन भी हो जाएगा रोगाणुओं से। 23वां है आपातकालीन जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, तो ऑप्शन है एड्रिनल, मतलब जब भी आपातकाल मतलब जब भी कोई दुर्घटना या आपत्ति आती है तो ये जो ग्रंथि होती है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स देने लगती है। ओके, अगला है पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, तो ऑप्शन है नियासिन। अगला क्वेश्चन बनता है मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो मास्टर ग्रंथि कौन सी कहलाती है मानव शरीर में, पिट्यूटरी। अगला है रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो ये कहते हैं ऑप्शन बी यकृत को। 27 का क्वेश्चन है हमारा कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम, जिसका सिंबल क्या होता है CA। अगला है लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र वाला है, ये ऑप्शन सी XY गुणसूत्र। अगला है स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो ऑप्शन है यूरिया। 30वां क्वेश्चन है श्वसन दर सबसे कम होती है किसमें होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी निद्रा में। अगला है न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, मतलब नाभिक की खोज किसने की थी, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की मतलब। अगला है अंतरराष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान कहां पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लंदन में। अगला है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ऑप्शन है लखनऊ में। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी दायां अलिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 रक्त का कौन सा कण होता है जो जीवाणु से रक्षा करता है, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कण। अगला है वायुमंडल में भारी गैस है कौन सी होती है, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं CO2। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 98.6 फारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे।